पिलाने प्रीवियस वीडियो रे आमे जो आमर धातु निष्कासन रो जहाँ जहाँ भी प्रक्रिया आमे पढ़ीबा से प्रक्रिया भितर ओवरऑल डिस्कशन करथिले। आज वीडियो रे आमे ईच इंडिविजुअल प्रतिक्रियाशीलता रे जो माने अछंती सेमानो किपर निष्कासन करा जीवो तांका प्रोसेस भितर विषय रे डिटेल रे पढ़ीबा। तो प्रथम आमे पढ़ीबा निम्न प्रतिक्रियाशीलता मानंकर धातु निष्कासन। पहले ता पूर्वरु आमे जो फर्स्ट जितेबले टेबल करथिले आमे लिखथिले धातुपिंड आमे पाइले तापर से धातुपिंडर आम सकेंद्रीकरण करवा से धातुपिंडर सकेंद्रीकरण को आम धातुपिंडर समृद्धि बोली कहचे। तो धातुपिंडर समृद्धि कौन पे धातुपिंडर समृद्धि अर्थ हूँ धातुपिंडर समृद्धि या दे कौन हुए ना पिले जब तुम धातुपिंड को बाहर कर तुम आम तो डिस्कस कर धातुटा के प्योर अवस्था ना कहना कह सहित तो प्रतिक्रिया करमती कि जिंकटा को पाइले आम जिंक कार्बोनेट हिसाब से पाइबा जिंकटा कार्बोनेट सहित तो प्रतिक्रिया कर जिंक कार्बोनेट अवस्था आसी तेल एक तो धातुपिंड मत धातु पाइबा यही धातु को मत निष्कासित करने को पड़ा निष्कासित मानने यही पार्टा को जब मुझे बाहर करदेवि सीओ थ्री पार्ट जब बाहरी गला मत किए मिल जाए जेडन मिल जाव एक जाचे किंतु जेतबेळे आमे धातुपिंड को बाहर करिबा से ए अवस्था रे तो अपमिश्रित होइकी थिबो ही थिबो माने धातु सहित किए ना किए गोटे प्रतिक्रिया करी यौगिक तयारी करथिबो ता सहित से धातुपिंड रे आउ किछि अपद्रव सब मिसिकी थिबे अपद्रव के ना मे बि से माटी बाली गोड़ी इत्यादि अपद्रव सब मिसिकी थिबे तले से धातुपिंड धातु को निष्कासन करने पूर्व प्रथम मत अपद्रव गुड़ाक बाहर करने को पड़ो आ मन रखिले यू अपद्रव को आम कौन कहू ना गांग बोली कह जाए क्लीयर बुझेगा तेल धातुपिंड यू गांग को अलग करने को आम कहू धातुपिंड समृद्धि धातुपिंड गांग मिसिकी अच्छे आम से गांग को बाहर करदे केवल धातुपिंड रखिले यही प्रक्रिया को आम धातुपिंड समृद्धि बोली कह जो गांग को आम निष्कासित करवा गांग को अलग करवा से कौ वे हम कौ प्रोसेस कौ प्रक्रिय हम विभिन्न प्रकार प्रक्रिया अच्छे पिले आक्रिया सब क्या पर्यवेसित ना जो धातुपिंड आ गांग भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर्यवेसित सपोज यो गांग अच्छी जहाँ भी अपद्रव अच्छी से अपद्रवर सांद्रता कम आउ धातुपिंड सांद्रता अधिक तेल जो तुम पाने पकईदेव जेहेतु धातुपिंड सांद्रता अधिक से तले बसीज आ गांग सांद्रता कम से उपर भाषा तो तुम अलग करदेपर तेल ए प्रक्रिया हो पारे गलनांक स्फुटनांक द्रवणीयता सांद्रता इत्यादि भौतिक गुण किंवा किसी रासायनिक गुण को पर्यवेसित कर मानने धातुपिंड भौतिक गुण अलग गांग रौतिक गुण अलग आम से ही पार्थक्य को बेस करेंगे ना यार रासायनिक गुण अलग गांग रासायनिक गुण अलग से रासायनिक गुण को बेस करपर तेल धातुपिंड समृद्धि द्वारा आम कौन पाइले ना अपमिश्रित धातुपिंड आम विशुद्ध धातुपिंड पाइले मानने जो थे केवल धातुपिंड ही अच्छी अन्य कौन सी प्रकार पदार्थ मिसिकी ना एतिक हो धातुपिंड समृद्धि तुम ये मन रख गांग क्या कह जाए सर्ट क्वेश्चन यू आसपार एवं से प्रोसेसटा कौन बुझेगा अच्छा एबे आमे एंट्री करिबा धातुपिंडर निष्कासन। प्रथम आमे पढ़िबा निम्न प्रतिक्रियाशील निम्न प्रतिक्रियाशील धातुर धातुपिंडर धातु निष्कासन ओके तले निम्न प्रतिक्रियाशील धातु धातु निष्कासन केमिति हबो ना प्रथम पॉइंट आम जाचे पिले निम्न प्रतिक्रियाशील धातुपिंड जो जो धातु मानक आम कनसीडर करे से धातु मैंने साधारणत तो कौन पिले अण प्रतिक्रियाशील अण प्रतिक्रियाशील मान से माने साधारणत तो प्रतिक्रिया करती ना जेहेतु प्रतिक्रिया करती ना से कौ अवस्था मिलती ना मुक्त अवस्था मिलती एक आम कही तथापि किछि निम्न प्रतिक्रियाशील मौलिक माने सल्फाइड सहित सल्फर सहित प्रतिक्रिया करी सल्फाइड अवस्था मिली था भाया गोटे एग्जांपल आम नवा पारदर मन पका पे मुझे तुम सीरीज जोटा देखिए पारदर लेखा भी है एक्चुअली पारदर निम्न प्रतिक्रियाशील अंडर जीव
तो पारदर जो धातुपिंड आसीबो पिले पारद धातुपिंड होउची HGS माने मर्क्यूरिक सल्फाइड। ए जो मर्क्यूरिक सल्फाइड रा आउ गोटे ना होची ता ना होची सिनाबार। इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन बुझेला तले सिनाबार कौन ना पारदर धातुपिंड को हमें सिनाबार बोली कहो अर्थ पारदर सल्फाइड धातुपिंड बा मर्क्यूरी सल्फाइड बा HGS को हमें सिनाबार बोली कहि थौ। तले हमर काम होउची ए HGS रु HG को पाइबा अर्थ मर्क्यूरी सल्फाइड रु मर्क्यूरी को बाहर करिबा। केमिति बाहर करिबा ना HGS को प्रथम एटा प्रोसेस टा पिले जनरल प्रोसेस माने रख प्रथमे सिल्वर सल्फाइड को अम्लजन उपस्थित रे उत्तप्त करा जिवो। तले HGS प्लस O2 आरो मार्क आमे ताको ताप देले अर्थ उत्तप्त कले जेतो बेला आमे ताको गरम करिबा ताप दबा सेतो बेला से कोन होबो ना मर्क्यूरी ऑक्साइड HGO प्लस SO2 तले मते मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलि गला सल्फर डाइऑक्साइड गैस है के बाहर गला। तले मते एबे भी कोन मर्क्यूरी मिलि छि कि ना ना मिलिनि कारण से ऑक्साइड अवस्था रे अछि पिले म त म कहिथिलि यदि ऑक्सीजन को हम बाहर कर दबा तले मते एबे धातु मिलि जइबो आ ऑक्सीजन बाहर करबा प्रक्रिया कोन कह जाय विजारण बोली कह जाय। तेबे आउ थरे एबे पुनी कोन कह जइबो ना HGO को पुनः उत्तप्त करा जइबो पुनः उत्तप्त करबा फल रे से हबो HG प्लस O2 क्लियर। तले एबे मते HG मिलि गेला ना नै पारद मिलि गेला विशुद्ध धातु मिलि गेला। तले प्रथमे कोन करा जाय ना सल्फाइड धातुपिंड को अम्लजन उपस्थित रे उत्तप्त कले ता धातव ऑक्साइड रे परिणत होबो एवं धातव ऑक्साइड को पुनः उत्तप्त कले ता विशुद्ध धातु रे परिणत होबो। एग्जांपल रे हमें सिनाबार रो एग्जांपल नै परिबा। क्लियर हला पिले सेही भली भाब रे हमें जदि आउ गोटे एग्जांपल नै कि देखिबा सेटा होची कॉपर रो कॉपर धातु पिंड रो धातु निष्कासन। ओके एटा 2 मार्क पढ़ी परिबो जे कॉपर धातु पिंड रो धातु निष्कासन किपरि करा जाय। पिले कॉपर धातु पिंड को अवस्था रे थाए ना कॉपर धातु पिंड सल्फाइड अवस्था रे थाए तो कॉपर सल्फाइड Cu2S तो कॉपर सल्फाइड रो केमिति हमें कॉपर पाइबा ना एक रे त से सल्फाइड अवस्था रे अछि मर्क्यूरी भलिया दुई रे से मध्य निम्न प्रतिक्रियाशील अंडर रे अछि त माने हम एही प्रोसेस फॉलो करिबा। तो कॉपर सल्फाइड को प्रथमे अम्लजन उपस्थित रे उत्तप्त कले अम्लजन उपस्थित रे उत्तप्त कले से कोन हबो ना कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रे परिणत हबो। पिले एटी पिले कंफ्यूज होंती रिएक्शन को देखि कि ए जो कॉपर ऑक्साइड तयारी हला ए सब जको एटी जो कॉपर सल्फाइड थिला से हि त कॉपर ऑक्साइड रे परिणत होई छि किंतु गोटे कथा मने रख पिले ए कॉपर सल्फाइड सब जको एका संग रे कॉपर ऑक्साइड हेई नथिबो ता माने किछि कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड हेई छि आउ किछि कॉपर सल्फाइड सेंती सेही अवस्था रे अछि। तो जो कॉपर ऑक्साइड तयारी हला से बळिथिबा कॉपर सल्फाइड सहित प्रतिक्रिया करिवो तो सेट पई सेकेंड रिएक्शन हम लिखले Cu2O प्लस Cu2S ता माने जो उत्पन्न हेतिबा कॉपर ऑक्साइड बळिथिबा कॉपर सल्फाइड सहित प्रतिक्रिया करिवो करिबा फल रे कोन दबो ना कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बुझेला पिले। तले मते एठी कॉपर मिलि गला विशुद्ध धातु मिलि गला तले कॉपर धातु पिंड रु कॉपर निष्कासित हेइ गला। तो मैं हायर क्लासेस गले पढिबो पिले ए जो एठी हमें ताप दैचा गरम करचे तंको। ओके तो मैं हायर क्लासेस गले पढिबो ए जो प्रक्रिया होउची एठी हमें उत्तप्त कले से अम्लजन बाहरी जाउची अम्लजन तापक रु बाहरी जाउची आ से प्योर धातु अवस्था रे मिलुची एको सेल्फ रिडक्शन बा स्व विजारण बोली कहा जाय। काहे कि ना हम जते बले जारण विजारण पढेथिले हमें कहिथिले जदि जणकर विजारण होउची तले तार विजारण करैबा पाइ मध्ये जणे सेठी के अछि जहा को हम विजारक बोली कहुथिले किंतु देखो पिलेटी HGO को सिंपली हमें उत्तप्त कले आ तापक रु अम्लजन बाहरी गला ता माने एठी से कोन करछि बले स्व विजारण करछि निज को निज विजारित करछि सेठी के विजारक नहंती तो सेथि पई हमें ताको सेल्फ रिडक्शन बोले कहू छु बुझेला पिले। तले एटा होउची निम्न प्रतिक्रियाशील धातु पिंड रु धातु निष्कासन करिवार प्रणाली प्रथमे सल्फाइड धातु पिंड को अम्लजन उपस्थित रे उत्तप्त कले ता धातव ऑक्साइड रे परिणत होबो एवं धातव
धातव ऑक्साइड को पुनः उत्तप्त कले धातु रे परिणत हबो। एठी हमें गोटे बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल पढ़ले जोटा होची सिनाबार रो। सिनाबार कहा कहंती ना पारदर सल्फाइड धातु पिंड को कहा जाए एवं तार संकेत होची HGS। क्लियर? एवं आउ गोटे एग्जांपल दुई मार्क रो क्वेश्चन हेई परबा कॉपर धातु पिंड रो धातु निष्कासन किपर करा जाए। टिटो सेही प्रोसेस रे जेमती पारद होईची सेमती मध्ये कॉपर रो करा जाबो। ओके पिले तले एठी हमें सल्ले निम्न प्रतिक्रियाशील धातुपिंड धातु निष्कासन। नेक्स्ट वीडियो रे हमें मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुपिंड धातु निष्कासन विषय रे पढ़िबा।